हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू रिवॉल्यूशन। टुडेज आवर टॉपिक इज ब्रैकिश वाटर फिशरीज। लेट्स सी आउटलाइन ऑफ आवर टॉपिक। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रैकिश वाटर फिशरीज, जिसमें हम मुलेट फिश, मिल्क फिश, बास फिश एंड पर्ल स्पॉट की बात करने वाले हैं। पूरे भारत में 1.2 मिलियन हेक्टेयर ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज हैं, जिनमें आती हैं एस्चुरीज, कोस्टल लैगूंस, लेक्स, बैक वाटर, टेडल क्रीक, कैनाल्स, मड फ्लैट, मैंग्रोव प्लांट एक्सेट्रा। ये वाटर इन कुछ कैरेक्टर्स के साथ फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर के बीच पाया जाता है, जैसे वाटर फ्लक्चुएशन टाइड के साथ साथ होता है, सेलिनिटी रेंज 0 to 35 PPT होती है, न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड प्रोडक्टिविटी हाई होती है। बहुत से मैराइन ऑर्गेनिज्म के लिए नर्सरी ग्राउंड जैसे यूज होता है। प्लांट और एनिमल स्पीसीज की रिच डाइवर्सिटी पाई जाती है। आर्टिसनल कैप्चर फिशरीज को सपोर्ट करता है, जिससे कोस्टल फिशर्स को आजीविका मिलती है। टेडल करंट अपने साथ जुवेनाइल फिश एंड श्रिम्प कैरी करता है। वाटर लेवल के ऊपर और नीचे आने से ट्रेडिशनल ब्रैकिश वाटर बनता है, जिसमें फिश एंड स्ट्रीम फार्मिंग किया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल में भैरीज और केरला में पोकली पैडी फिल्म। साइंटिफिक ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर 1980 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जहां स्ट्रीम वेल डिजाइन एंड मैनेज्ड पॉन्ड में कल्चर किया जाता था, जिसकी एक्सपोर्ट मार्केट में हाई डिमांड होती थी। एट प्रेजेंट 0.16 मिलियन हेक्टेयर एरिया में स्ट्रीम कल्चर हो रहा है। आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल स्टेट्स बहुत अच्छे श्रिम्प प्रोड्यूसर हैं, जहां पूरे भारत का 80% प्रोडक्शन देखा गया है। डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड पाने के लिए अब ब्रैकिश वाटर पॉन्ड एंड केज में यूरीहेलाइन मैराइन फिश स्पीसीज कल्चर की जा रही है। कॉमनली कल्चर्ड फिश हैं मुलेट, मिल्क फिश, सी बास, पॉम्पेनो, ग्रूपर्स एक्सेट्रा। भारत में मुलेट की 13 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से 8 स्पीसीज कॉमर्शियली कैच किया जाता है। मुगिल सिफेलस और मुगिल पार्सिया दो कल्टिवेबल स्पीसीज हैं, जो यूरी हेलाइन स्पीसीज हैं। इनका सेलिनिटी रेंज 0 to 35 PPT है। इनकी फीडिंग हैबिट ओमनिवोरस है। ये लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल पर प्लांट, डेट्राइटस और एल्गी खाते हैं। मुलेट के मसल्स टिश्यू में हाई प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है। मैच्योर फीमेल की रू का बहुत सारी कंट्री में हाई वैल्यू डिमांड है। मुलेट फिश, इसका कॉमन नेम है ग्रे मुलेट, साइंटिफिक नेम मुगल सिफेलस। नेक्स्ट, कॉमन नेम गोल्ड स्पॉट मुलेट, साइंटिफिक नेम मुगल पार्सिया। मिल्क फिश चेनोस चेनोस, ये चेनिडी फैमिली की एकमात्र सोल लिविंग स्पीसीज है, जो इंडियन एंड पैसिफिक ओशन के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं। मिल्क फिश गर्म, साफ, उथले पानी में पाए जाते हैं। ये साउथ ईस्ट इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्चरल स्पीसीज है। बास फिश एशियन सी बास, लेटर स्केल कैरिफर, कॉमनली इसको GNC पर्स बोला जाता है, जो एशिया और पैसिफिक ओशन के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फूड फिश हैं। सी बास के रैपिड एक्सपेंशन में मेजर प्रॉब्लम ट्राई को कलेक्ट करके सप्लाई करना होता है। द क्रिशेंट बास या टाइगर बास, टेरापॉन जार्बुगा, ये एंडो पैसिफिक की कॉमन स्पीसीज है। ये कभी कभी एक्वेरियम में भी यूज किया जाता है। बास फिश कॉमन नेम एशियन सी बास, साइंटिफिक नेम लेटस कैलकैरिपर। नेक्स्ट, टाइगर बास, साइंटिफिक नेम टेरापोना जार्बुगा। पर्ल स्पॉट द ग्रीन क्रोमाइड पर्ल स्पॉट एट्रोप्लस सूराटेंसिस,
ये केरला की स्टेट फिश है और मलयालम में इसको करीमीन बोलते हैं। ये यूरीहेलन स्पीसीज है जिसका ब्रैकिस वाटर और फ्रेश वाटर फिश के साथ कंपोजिट कल्चर किया जा सकता है। ये नेचुरली कॉन्फाइंड कंडीशन में ब्रीड करती हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है।